फौजिया वहाब की वफात पर गमजदा अहले खाना के दुख में शरीक होने के लिए रिश्तेदारों समेत सियासी और समाजी रहनुमा सुबह से ही उनके घर जमा हो गए और सोगवारों से इजहार ताजियत करते रहे। ताजियत के लिए आने वाले वफाकी मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने अहले खाना की जानिब से डॉक्टरों की मुबैना गफलत की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने और निजी अस्पताल का रिकॉर्ड सील करने की हिदायत कर दी। इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है, इट ऑलवेज हैपेंस, या तो कोई आर्टरी कटे या कोई इंसिजन गलत लग जाए, तो पता ये चला कि उनकी जब तक उनका बीपी ड्रॉप नहीं हुआ उस वक्त तक ये डिटेक्ट नहीं हुआ था कि उनका इतना ब्लड लॉस हो गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फौजिया वहाब के जज्दे खाकी को आखिरी दीदार के लिए घर लाया गया और नमाज जहर से कबल मैयत को सुल्तान मस्जिद डिफेंस रवाना कर दिया गया, जहां बाद नमाज जहर नमाज जनाजा अदा की गई। उन्होंने बीबी शहीद साहिबा की तस्वीर देखी मेरी ऑफिस की दीवारों पे, तो ऐसे ही मुड़ के मुझे कहने लगी कि जब मैं चले जाऊँ तो मेरी भी तस्वीर वहाँ लगा देना। नमाज जनाजा के बाद फौजिया वहाब को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में आहों और सिसकियों के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया गया। फौजिया वहाब का सोया मंगल के रोज उनकी रिहाइश गाह पर बाद नमाज असर होगा। इंसानी हकूक के लिए खिदमत अंजाम देने वाली फौजिया वहाब इस जहान फानी से कूच कर गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि फौजिया वहाब का खला कभी पूर्ण ना हो सकेगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद और रिपोर्टर मुनव्वर आलम के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़ कराची।